press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi friends, welcome to Crypto 24 YouTube channel. फ्रेंड, आज की इस वीडियो के अंदर हम कॉइन डीसीएक्स एक्सचेंज के बारे में बात करने वाले हैं, तो बने रहना इस वीडियो के साथ में। क्रिप्टो 24 को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको भी क्रिप्टो एंड एयरड्रॉप की रेगुलर अपडेट यहां पर मिलती रहे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कॉइन डीसीएक्स एक्सचेंज है उसके बारे में। इस पर चलें उससे पहले मैं बता दूँ इस एक्सचेंज को मैं क्यों इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ आपके साथ में। तो सबसे पहले तो इसमें ये बता दूँ कि ये एक इंडिया का एक्सचेंज है जो कि अपने को INR टू BTC में कन्वर्ट करके देता है अपना जो भी INR है, और जो भी अपन BTC है उसको INR में विड्रॉ ले सकते हैं। तो इसकी जो चीज़ें मेरे को अच्छी लगी फ्रेंड, ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है। मैं सिंपल सा जो मैंने पर्सनल यूज़ किया और हमारी टीम ने इस पे रिसर्च किया उसी के बेस पे मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। और मेन रीज़न शेयर करने का ये है कि जो XLM का एड्रॉप है उसमें बहुत सारे लोगों को फ्री के अंदर $25, किसी को $50, किसी को $100 मिले हैं। वो चाह रहे हैं कि विड्रॉ करें, और उसी से रिलेटेड जो वजीरेक्स एक्सचेंज है बहुत अच्छा एक्सचेंज है। तो वहाँ पे क्या है कि लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहा है कि USDT से वहाँ पे INR में कन्वर्ट करना, या फिर कोई भी कॉइन से पहले USDT में कन्वर्ट करो, तो जो न्यू मेंबर्स हैं उनको काफ़ी वहाँ पे दिक्कतें आ रही है। तो मैं आपके सामने सिंपल सा इंटरफेस एंड सिंपल सा प्रोसेस बताऊंगा जिसमें आपको कोई भी KYC नहीं करनी पड़ेगी, एंड आप इंस्टेंट आपके डिपॉजिट एंड विड्रॉ कर सकते हैं। और वजीरेक्स में यही है कि P2P में बहुत सारे लोगों को जो न्यू है वहाँ पे इश्यू बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि वो टाइम पे जो पेमेंट है वो कन्फर्म नहीं कर पाते और काफ़ी वहाँ पर प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो इसी को देखते हुए मैंने सिंपल सा जो एक्सचेंज है उसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी ट्रस्टेड एक्सचेंज है, ऐसा नहीं है, इंडिया में बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, मोर देन 100 कॉइन इसके अंदर लिस्टेड है। आप खुद इनके टेलीग्राम ट्विटर पे जाएंगे तो लगभग इंडिया का ऐसा एक्सचेंज है जिसपे 100 से ज़्यादा कॉइन लिस्टेड हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है, 100 से ज़्यादा अपने को इस एक्सचेंज पे कॉइन्स मिल जाते हैं, और इसकी सपोर्ट टीम है बहुत ही अच्छी। आप कोई भी सपोर्ट के अंदर टिकट ओपन करेंगे या कोई भी डाउट्स हैं इस एक्सचेंज से रिलेटेड आप कभी भी इसमें पूछ सकते हैं सपोर्ट टीम से। इनका जो टेलीग्राम है उन पर भी एडमिन वगैरह लाइव रहते हैं, आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, एंड ईमेल वगैरह जो भी सपोर्ट है बहुत अच्छा सपोर्ट इनका मिलता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी मेरे को अच्छी बात लगी। और इम्पोर्टेंट जो मेरे को अच्छी बात लगी कि आप कभी भी किसी भी टाइम किसी भी जैसे पेटीएम, UPI, IMPS किसी में भी विड्रॉ लो, इंस्टेंट मिल जाता है। मैंने कल ही विड्रॉ लिया था रात को 1 बजे के आसपास, तो मेरे को रात को 1:05 पर यानी 5 मिनट के अंदर मेरे को विड्रॉ रिसीव हो गया। तो ये भी बहुत अच्छी बात है फ्रेंड, अगर आप जो फ्री के टोकन मिले उनको आप विड्रॉ लेना चाहते तो आप इसमें इंस्टेंट ले सकते हैं। सिंपल सा जो फंडा है इसमें किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है उसके बारे में बता देता हूँ। ज़्यादा इसमें कोई लंबा एंड उलझाना कोई भी प्रोसेस नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस है, वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। एक गुड न्यूज़ ये भी है कि फ्रेंड, अगर आप इसमें रजिस्टर करते हैं और 1000 एंड 1000 रुपये का कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, लाइक अपने को फ्री टोकन मिले तो उसको यहाँ पे डिपॉजिट करके विड्रॉ करते हैं, तो लगभग $1 आपको $1 फ्री के अंदर मिलता है। तो ये भी अच्छी बात है फ्रेंड, अगर आप इसमें विड्रॉ लेते हैं तो $1 और फ्री में एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो अभी आपको करना क्या होगा फ्रेंड उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सिंपल सा, ये लिंक मिलेगा इस तरह का आएगा, तो साइन अप नाउ पे आपको क्लिक कर लेना। ठीक है फ्रेंड, तो इसके बाद में आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस डालना, पासवर्ड डालना, कंट्री सेलेक्ट करना, अपना मोबाइल नंबर डालना, एंड साइन अप पे क्लिक करेंगे। जैसे साइन अप पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पे OTP जाएगा, उसको डाल देना। ठीक है फ्रेंड, उसको डालने के बाद आपको क्या करना, मैं एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, तो आप एप्लीकेशन यूज़ करेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा फ्रेंड आपको ट्रेडिंग करने में, बाकी इसमें भी आप डायरेक्ट वेबसाइट के अंदर भी आप कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन का लिंक दूंगा तो आप एप्लीकेशन के अंदर लॉग इन हो जाना, उसके बाद का प्रोसेस मैं आपके साथ में बता। फ्रेंड्स, तो आपको एप्लीकेशन का इंटरफेस इस तरह से दिखेगा, आपको इस तरह से कॉइन्स जो गार्नियर्स है, टॉप गार्नियर्स और लूजर्स इस तरह से दिख जाएंगे, और इसका इंटरफेस इस तरह से दिखेगा। आप सिंपल सा मार्केट पे क्लिक करेंगे तो आपको 4 पेयर के अंदर ट्रेडिंग मिल जाती है, INR, इथेरियम, BTC और USDT के अंदर। तो यहाँ पे आप INR के अंदर डायरेक्ट भी एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अभी आपको क्या करना है, ट्रेड के अंदर जाएंगे तो आप ट्रेडिंग भी हो जाएगी, फंड्स के अंदर जाएंगे तो आपका जो भी पोर्टफोलियो रहेगा टोटल वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, आपका कितना बैलेंस है। मेरा 1882 रुपये है तो आपको यहाँ पे टोटल दिखा देगा। ठीक है फ्रेंड, और प्रोफाइल के अंदर जाएंगे तो आपकी यहाँ पे प्रोफाइल दिखा देगा। ठीक है फ्रेंड,
इस तरह से आपको प्रोफाइल का इंटरफेस आएगा। तो आप यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो अभी आप केवाईसी सबमिट करेंगे, तो केवाईसी आपको कोई भी सबमिट नहीं करनी, यहाँ पे आपको स्पष्ट लिखा हुआ है। अगर आप 4 बिटकॉइन से ज़्यादा की ट्रेडिंग करते हैं तो ही आपको केवाईसी चाहिए, बाकी आपको कोई केवाईसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो आपको केवाईसी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल सा क्या करना, बैंक डिटेल पे क्लिक करना है। बैंक डिटेल पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको इस तरह का पेज आएगा। आपको क्या करना फ्रेंड, कैसे किस तरह से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर, री एंटर अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ब्रांच नेम, बैंक का नेम है जो भी, और यूपीआई आईडी ऑप्शनल है, और इसके बाद में बैंक आपका जो नेम है वो डालना है। तो यहाँ पे पेटीएम का किस तरह से होगा, पेटीएम के अंदर जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उसकी आप डिटेल यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देना, पेटीएम के आईएफएससी कोड PYTM01234567 यही सभी के में सेम होता है, तो वो डाल के आप जो भी डिटेल है ये डाल देना। ठीक है फ्रेंड, जैसे ब्रांच नेम आए तो पेटीएम, बैंक नेम पेटीएम, इस तरह से आप डाल के इसको सबमिट कर देंगे तो आपको पेटीएम के अंदर रिसीव हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको पेटीएम वाला एंड बैंक के अंदर विड्रॉ लेना आपको इस तरह से आ गया। अब इसके अंदर क्रिप्टो करेंसी कैसे डिपॉजिट एंड विड्रॉ करें, ठीक है फ्रेंड, आप फंड्स में जाएंगे तो आपको इस तरह का दिखाई देगा। तो डिपॉजिट पे आपको क्लिक कर लेना, सिंपल सा डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से कॉइन आएगी। तो यहाँ पे आपको INR के अंदर डिपॉजिट करना है, तो INR में कैसे करेंगे, डिपॉजिट पे क्लिक करना है और आपको कितना फंड लेना है। सपोज कीजिए यहाँ पे 10 रुपये से कितना भी ले सकते हो, मैं 50 रुपये लेता हूँ सपोज कीजिए, तो एड मनी पे क्लिक करूँगा तो आपको ये एक बैंक डिटेल मिल जाएगी। तो आपको क्या करना, सिंपल सा कुछ नहीं, आपको जैसे UPI पे पेमेंट करना है तो UPI पे ये ID कॉपी करना, यहाँ से कॉपी हो जाएगी। और आप UPI से पेमेंट भेजो तो हमेशा कोई भी पेमेंट करो तो ये ध्यान रखना, ये जो डिटेल आए रिमार्क वाली इसको ज़रूर से ध्यान रखना। उस रिमार्क के अंदर जब पेमेंट करोगे, रिमार्क का ऑप्शन आएगा उसमें, जैसे ये 91223 ये हर नंबर अलग अलग आएगा तो ये ज़रूर डाल देना। और जो रेफरेंस ID मिले वो यहाँ पे डाल देंगे तो विद इन 1 मिनट के अंदर आपका जो पेमेंट रहेगा वो इसमें आ जाएगा। और अगर आप बैंक से करना चाहते हैं डायरेक्ट डिपॉजिट तो यहाँ पे भी डिटेल दी हुई है, आप अपने बैंक अकाउंट से भी ये कर सकते हैं। बैंक अकाउंट से करो तो भी आप यहाँ पे जो रिमार्क है उसमें ये डाल देना और रेफरेंस नंबर आपको मिल जाएगा, वो डाल के वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपका डिपॉजिट इंस्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी क्रिप्टो करेंसी कैसे डिपॉजिट करना, तो सपोज कीजिए मेरे को इथेरियम डिपॉजिट करना, इससे पहले जो ब्लॉकचेन वाला है उसके बारे में बता देता हूँ। जो ब्लॉकचेन के अंदर अपने को जो फ्री के टोकन्स मिल रहे हैं, मैं सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सभी को मिल रहे हैं, कुछ लोगों को 5 से 10% लोगों को प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो थोड़ा सा पेशेंट रखें, आपको ज़रूर मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और जिनकी एज 18+ है और जो आधार कार्ड लगाते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट लगाते हैं उसमें डेट ऑफ बर्थ पूरी होनी चाहिए। अगर आप सन हैं वहाँ पे ईयर लिखा हुआ तो आपका कभी KYC नहीं होगा, ये बात ज़रूर से ध्यान रखना। तो आपका डेट ऑफ बर्थ एंड ID क्लियर हो तो विद इन 2 मिनट के अंदर आपकी KYC इंस्टेंट अप्रूव हो जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो अभी मैं आपको इसके बारे में बता, जब आपको रिसीव हो जाएगा XLM तो आपका जो XLM टोकन है यहाँ पे शो होने लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अभी आपको कैसे करना है, इसको एक्सचेंज करना, प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि स्टेलर को विड्रॉ मत लेना, क्योंकि स्टेलर में यहाँ पे टैग वगैरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको विड्रॉ नहीं हो पाएगा, वहाँ पे एक्सचेंज पे नहीं जा पाएगा। ठीक है फ्रेंड, अगर आपने कभी विड्रॉ ले लिया है इसका और आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है, सपोज कीजिए आपने यहाँ पे विड्रो लिया हुआ पहले और आपको रिसीव नहीं होगा, नहीं हुआ होगा, 100% श्योर है कि आपको XLM का विड्रो नहीं मिला होगा, यहाँ से कट गया होगा और आगे नहीं मिला होगा। तो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मेरे को मेल करना, आपका जो भी प्रॉब्लम से मैं सॉल्व करवा दूंगा, कहीं से भी किसी भी एक्सचेंज पे आपने विड्रो किया है तो आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप अगर ऐसी कंडीशन है आपके साथ में तो आप मेरे को ईमेल कर देना, ईमेल आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। आपको क्या करना, XLM मिल गए उसके बाद में यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करना और एक्सचेंज वाले पर क्लिक करना। ठीक है फ्रेंड, तो एक्सचेंज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का पेज मिलेगा। ठीक है, तो आपको बिटकॉइन पे आपको स्टेलर कर देना है और इथेरियम के अंदर कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि इथेरियम का ट्रांजैक्शन चार्ज यहाँ पे बहुत ही कम है तो ये अच्छी बात है, और इथेरियम आपको इंस्टेंट वहाँ पे एक्सचेंज पे मिल जाता है। सपोज कीजिए आपको 100 टोकन मिले हैं तो 100 पे क्लिक करना, 1-2 टोकन कम कर देना, आपको जैसे 105 मिले हैं तो 104 ही करना, क्योंकि शायद 1 या 1.5 टोकन यहाँ पे ट्रांजैक्शन चार्ज लग जाता है। और एक्सचेंज XLM टू ETH करेंगे और यहाँ पे आगे प्रोसेस कर देंगे तो आपका विद इन 5 मिनट का टाइम लगेगा इसमें एक्सचेंज होने में। एक्सचेंज होते ही आपका यहाँ पे वैलेट में लिखा आएगा तो आपको उसको क्लिक करते जाना, तो आप इसी वैलेट में आपको रिसीव हो जाएगा। और जैसे ही आपको XLM कन्वर्ट होके इथेरियम में रिसीव होगा तो उसके बाद में यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर आपको शो हो जाएगा। तो आपको सिंपल सा इथेरियम पे क्लिक करना है और सेंड पे क्लिक कर देना है।
बहुत सारे लोग हैं वीडियो पूरा नहीं देखते हैं एंड कमेंट करते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम्स आता है, तो प्लीज़ वीडियो पूरा वॉच करें अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो। यहाँ पे क्या करना, टू के अंदर डाल देना अपना इथेरियम का एड्रेस, कौन सा डालेंगे, ये वाला, ये मिला, इसको डाला यहाँ पे, और जो इथेरियम है आपका अमाउंट, वो अमाउंट यहाँ पे डाल देना पूरा। सपोज कीजिए आपके पास 0.02 है तो 0.2 डाल देना और डिस्क्रिप्शन को खाली छोड़ देना, रेगुलर करके कंटिन्यू कर देना। आपको विद इन 2 से 3 मिनट के अंदर आपका जो इथेरियम है यहाँ पे शो होने लग जाएगा। यहाँ पे शो होगा, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे मार्केट पे क्लिक करना, INR पे क्लिक करना, इथेरियम टू INR करना है, सेल पे क्लिक करना है। सेल पे क्लिक करेंगे आपको जो प्राइस के अंदर सेल करना वो ऑर्डर लगा देना, जैसे 8637 चल रहा है, 8630 लगाया, 100% पे क्लिक किया और सेल पे क्लिक किया। ठीक है फ्रेंड, जैसे ही सेल हुआ उसके बाद में आप फंड्स पे क्लिक करेंगे और INR जो भी आपका INR के अंदर बैलेंस है तो INR पे क्लिक करेंगे, इंडियन रुपीज़ पे, विड्रॉ पे क्लिक करेंगे, विड्रॉ पे क्लिक करेंगे जो आपका बैंक अकाउंट है वहाँ पे आप डिटेल आ जाएगी, तो आप डायरेक्ट वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको OTP जाएगा मोबाइल पे और कितना विड्रॉ लेना वो लिखा आएगा, तो उसको आप क्लिक कर देंगे, OTP डाल देंगे, इंस्टेंट आपके अकाउंट के अंदर बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ ज़्यादा नहीं। और आपको कोई भी हिस्ट्री वगैरह देखना है तो यहाँ पे INR हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो आपको जो भी INR में डिपॉजिट किया उसकी हिस्ट्री आ जाएगी, एंड यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं सब कुछ ईजी, वेरी ईजी स्टेप है यहाँ पे, तो आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, इसमें लेना चाहें तो। बाकी आपके पास एक ऑप्शन है वजीरेक्स वाला, बहुत अच्छा एक्सचेंज है, तो आप वजीरेक्स को भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप वजीरेक्स के बारे में जानते हैं तो। ठीक है फ्रेंड, और आपको कुछ समझ में नहीं आए तो मैं आपको ये आर्टिकल का लिंक दे दूंगा, यहाँ पे टोटल चीज़ें लिखी हुई, आपको किस तरह से एक्सचेंज करना है, किस टाइप से आपको कहाँ जाना है, तो वो चीज़ें सब कुछ यहाँ पे मेंशन की हुई है, तो आप सिंपल सा यहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हैं। बाकी जो XLM का एड्रॉप के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है तो मैं कल आपको ट्राई करूँगा नई वीडियो बनाने की, तो अगर आपने अभी तक अकाउंट रजिस्टर नहीं किया तो कर लेना। और एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है रेपर का, तो उसमें कोई भी रेपर प्रोग्राम नहीं है, एक जो XLM एंड ब्लॉकचेन का एड्रॉप है, और DCX के अंदर रेपर का प्रोग्राम चल रहा है, अगर आप करना चाहें तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर आप किसी को रेपर करते तो उसका $1 मिलता और जो जिसने ज्वाइन किया उसको भी $1 मिलता। ठीक है फ्रेंड, जो भी चीज़ें आपके सामने क्लियर है आप खुद देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे और बता दूँ, अगर आप ज़्यादा विड्रॉ लेना चाहते हैं तो यहाँ से मत करना, सिंपल सा वजीरेक्स कर सकते हैं, और कम विड्रॉ यानी आप फ्री के टोकन्स एंड ट्राई करते हैं 3-4-5 हज़ार का ट्रांजेक्शन करने की, तो आपके लिए बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन यही है Coindcx। ठीक है फ्रेंड, तो अब बाकी वजीरेक्स एक्सचेंज पर आपको आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उस एक्सचेंज को भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड वीडियो देखने।